हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वतीय नगर। ये इसका क्रम है, पर्वतीय नगर है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी ऊंचाई है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं। जैसे ये है नंबर एक है गुलमार्ग। गुलमार्ग पर्वतीय नगर है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी ऊंचाई है 2651 मीटर। तो उसी तरह हम देखते हैं नंबर दो है ऊटी। ऊटी पर्वतीय नगर है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वह केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी ऊंचाई है 2281 मीटर। अब हम बात करते हैं नंबर तीन, शिमला। शिमला जो कि पर्वतीय नगर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2206 मीटर। और अब हम बात करते हैं, यह है पहलगाम। नंबर चार है पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर में है जो इसकी ऊंचाई है, यह है 2195 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2195 मीटर। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं दार्जिलिंगा। नंबर पांच है दार्जिलिंगा जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2134 मीटर। अब हम बात करते हैं, यह है कोडाईकनाला जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2133 मीटर। उसी तरह अब हम बात करेंगे ये लेंसडाउन जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2118 मीटर। उसी तरह अब हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे आज का है डलहौजी जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ये है 2035 मीटर, इसकी ऊंचाई है 2035 मीटर। अब हम बात करते हैं नंबर नौ की, जो मंसूरी जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर। अब दोस्तों, हमें देखना यह है कि इसमें सबसे ऊंचा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, गुलमार्ग नगर जो है, पर्वतीय नगर है, ये सबसे ऊंचा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2651 किलोमीटर। ये सबसे ऊंचा नगर है और सबसे कम नगर है। मंसूरी जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2005 मीटर, इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर, ये सबसे कम है। दोस्तों, ये पर्वतीय नगर हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। आज का वीडियो हमारा यही तक था। आप सब हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।